नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लज़ानिया। ये एक ट्रेडिशनल इटालियन डिश है। आज हम इसे बहुत सारी सब्जियों के साथ घर पर ही बनाकर तैयार करने वाले हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अपन ने 1.5 कप मैदा ले लिया है। अब यहाँ ले लेते हैं 1 चम्मच नमक और इसमें डालते हैं 3 चम्मच तेल। इन सारी चीज़ों को डालकर अपन अच्छे से मिला लेते हैं। ये अपन जो पास्ता शीट के लिए अपन इसे तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ अपन इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस डो को तैयार करेंगे। एक साथ ही सारा पानी अपने को इसमें ऐड नहीं करना, नहीं तो अक्सर क्या होता है कि अपना डो थोड़ा पतला रह जाता है। अब ये देखिए, परफेक्टली थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपन ने जो डो लगाया था वो पूरी तरह से तैयार है अपना। अब इस पे थोड़ा सा लगाते हैं तेल और अब इसे एक हल्के गीले कपड़े से अपन ढककर तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। बीस मिनट अपने हो चुके हैं। अब अपन इस कपड़े को हटाकर देख लेते हैं अपना डो कैसा है अभी। ये देखिए, डो बिल्कुल परफेक्टली अपना तैयार है। जिस तरीके की शीट अपने को तैयार करनी है उसके लिए डो बिल्कुल परफेक्ट है अपना। ये बिल्कुल सॉफ्ट डो अपना तैयार हुआ है। इसे एक बार फिर से अपन मसल लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ जो अपना डो था उसकी अपन छोटी छोटी गोलियाँ तैयार कर लेते हैं। तकरीबन इतने डो से अपने पास 4 गोलियाँ बनकर तैयार होंगी। इस तरीके से अपन इसे 4 टुकड़ों में इसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ अपन जो ये लज़ानिया बना रहे हैं इसमें बहुत सारी सब्जियों को डालकर अपन बनाने वाले हैं और इतनी सारी सब्जियों से अपना ये बहुत हेल्दी बनने वाला है। यहाँ अपन एक टिन ले लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अपन मैदा डस्ट करेंगे यहाँ नीचे और इन शीट्स को तैयार करते हैं अपन। ये देखिए, इस तरीके से एक अपन ने लोई ली है, उसे तैयार करके रखा है। अब इसे अपन बेल लेते हैं अच्छे से बेलन की सहायता से। इस तरीके से अपन इस लोई को अच्छे से बड़ा बेल लेते हैं। जो अपनी टिन की साइज है उस साइज के अकॉर्डिंग अपने को इसको बेलना है, क्योंकि ये जो अपन बना रहे हैं ये पहली शीट होगी अपनी। अब ये अपना अच्छे से रोटी की तरह अपना ये बेलकर तैयार हो चुका है। जिस टिन में अपने को इसको बनाना है उस टिन के साइज का अपन इसे काट लेते हैं। बिल्कुल अपने को ये बिल्कुल पतली लेयर चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल पतला अपन ने इसे बेल लिया है और इसे टिन की साइज के अकॉर्डिंग अपन कट कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इजीली ये अपनी जो लेयर है वो निकल जाएगी। अपने को इसे इतना बारीक करना है कि अपनी अंगुलियां देखिए इसमें से बिल्कुल साफ दिख रही हैं। ट्रांसपेरेंट बेला है मैंने इसे। अब इसे किसी भी चीज़ के ऊपर अपन इस तरीके से फैला कर रखेंगे ताकि इसमें अच्छे से हवा लग सके। यहाँ अपन तैयार कर लेते हैं वाइट सॉस। ये बहुत इजीली अपना बनकर तैयार हो जाता है। ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, उससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। यहाँ तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच मैंने मैदा लिया है। इसे अच्छे से अपन इसमें सेक लेते हैं। ये चूंकि इटालियन डिश है तो ऑलिव ऑयल से अगर अपन इसे प्रिपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देखिए, जो अपना मैदा था वो पूरी तरह से सिक चुका है। यहाँ इसका कलर चेंज हो चुका। अब इसमें डाल देते हैं अपन 1 कप दूध। ये जो दूध अपन ने लिया है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर अपन को इस्तेमाल करना है। और दूध डालने के बाद बस ये ध्यान रखना है इसे लगातार अपने को चलाते रहना है, नहीं तो दूध और मैदा जब मिलकर पकेगा तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो कई बार कढ़ाई के सतह पर ये चिपक जाता है। उस चीज़ का अपने को यहाँ ध्यान रखना है। ये देखिए, इस तरीके से अब अपन ने जो इसमें दूध डाला था वो थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए, अब अपन ने जितना दूध लिया था उसके बराबर अपन यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। 1 कप अपन ने दूध लिया था तो पानी भी अपने को यहाँ 1 कप ही डालना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर इस तरीके से अपन वाइट सॉस बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। बस अपन जो यहाँ पानी डालने वाले हैं वो एक साथ अपने को नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे अपन यहाँ पर पानी और लगातार इसको चलाते रहेंगे। जैसे ही अपने को गाढ़ापन इस सॉस का चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट अपने को मिल जाएगा। ये देखिए, तकरीबन 1 कप पानी मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। ये तकरीबन 2 चम्मच मैंने छोड़ा है। यहाँ ये कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर लिया है अच्छे से। ये देखिए, अपना सॉस तकरीबन बन चुका है। अब यहाँ डाल देते हैं 1/2 चम्मच नमक।
अब यहाँ डालते हैं क्योंकि इटालियन डिश है तो इटालियन सीजनिंग अपन इसमें डाल लेते हैं। इसके फ्लेवर से ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है अपने को। और ये तकरीबन अपना बनकर तैयार है अपना वाइट सॉस। ये चीज़ के जैसा ही अपने को फ्लेवर देने वाला है। ये देखिए, ये इस तरीके से इतना गाढ़ा अपने को रखना है क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस अपन इसे इतना ही गाढ़ा रखेंगे। बस अब अपना ये तैयार है सॉस। अब अपन वेजिटेबल मसाला यहाँ बनाकर तैयार करने वाले हैं। यहाँ डाल देते हैं कटा हुआ लहसुन और इसे अच्छे से चला लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ डालते हैं कटा हुआ प्याज। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को आप आखिरी तक ज़रूर देखें मेरी रेसिपीज़ को, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ देखिए, ये प्याज अपने अच्छे से सिक चुके हैं। अब इसमें डाल लिए गाजर, ये ब्रोंकली 1 कप डाल लेते हैं। यहाँ डाला है बेबी कॉर्न। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लज़ाने में जितनी ज़्यादा सब्जियाँ अपन ऐड करेंगे ये उतना ही ज़्यादा अपने को अच्छा बनकर मिलता है। यहाँ डाल लेते हैं थोड़ा नमक। ये डालिए कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब को मिक्स कर लेते हैं। लज़ाने में आप चाहें तो इन सब्जियों के अलावा भी कुछ सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ जुकुनी डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं। यहाँ डाल लेते हैं ऑरिगेनो। आप चाहें तो कुछ लोग यहाँ बैंगन भी डालते हैं। आप यहाँ पनीर भी डाल सकते हैं। ये जो सब्जियाँ अपन इतनी सारी डालेंगे उससे बहुत ही अच्छा ये बनकर अपने को तैयार मिलेगा। थोड़ी देर ढकने का मतलब अपना ये होता है कि ये अच्छे से पककर और जल्दी तैयार हो जाती हैं। यहाँ डाल देते हैं 1 कप मशरूम। यहाँ डाली है मैंने लाल शिमला मिर्च, और ये डाल लेते हैं हरी शिमला मिर्च। ये पीली हुई शिमला मिर्च इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अपन एक बार और अच्छे से थोड़ा सा पका लेते हैं। सब्जियां आप जो चाहें वो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए अपन ढक देते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी देर ढका है अपन ने, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे ढक दिया है। उतनी देर में अपनी शीट वहाँ पर सूख कर तैयार हो रही है। इसमें डाल देते हैं तकरीबन 3 चम्मच पास्ता सॉस। अपन ने जो शीट बनाई थी उसको अपन ने किसी भी एक प्लेट में अपन रख कर उसे थोड़ी देर हवा में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सारी जो जो अपन ने चीज़ें बनाई हैं 15-20 मिनट अपने को इसमें लग जाएगा। तब तक वो शीट बिल्कुल तैयार अपने को मिलेंगी। ये देखिए अपना बिल्कुल, ये जो अपन ने सब्जियाँ डालनी हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। गैस को ऑफ कर दिया है। ये जो अपन ने शीट्स काट कर रखी थी वो बिल्कुल पंखे के नीचे जो अपन ने इसे सुखाई थी वो बिल्कुल तैयार हैं। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं ये। अब जिस कंटेनर में अपने को इसको बनाना है उस कंटेनर को ग्रीस कर लेते हैं अपन। ग्रीसिंग इसको सिर्फ नीचे ही नहीं करना है, इसके चारों तरफ अपन इसे ग्रीस करेंगे ताकि जो अपन शीट लगाएं वो इसमें चिपकेगी नहीं। अब पहली लेयर अपन पास्ता सॉस की लगा लेते हैं इसमें। ये देखिए, इस तरीके से जो अपन ने एक नाप कर जो शीट अपन ने तैयार की थी उस शीट को अपन यहाँ लगा लेते हैं। ये इतनी ट्रांसपेरेंट है ये अपनी शीट कि नीचे से अपने को इस जो पास्ता सॉस अपन ने लगाया था वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। जितनी पतली अपन ये शीट लगाएंगे फ्लेवर अपने को उतना ही अच्छा मिलेगा। अगेन अपन इस पे पास्ता सॉस लगा लेते हैं। इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेते हैं अपन। ये देखिए, इस तरीके से पूरा ये अपन ने सॉस इस पे चारों तरफ से फैला लिया है इसे। अब यहाँ जो अपन ने व्हाइट सॉस बनाया था उसको अच्छे से फैला लेते हैं। ये जो व्हाइट सॉस अपन इस्तेमाल करने वाले हैं ना, वो अपने को बिल्कुल चीज़ का सा ही फ्लेवर देने वाली है। बिल्कुल इसका टेस्ट वैसा ही आने वाला है। और इसमें अपन ने बहुत ज़्यादा मैदा डालकर भी इसे तैयार नहीं किया, 2 चम्मच में अपन ने इसे तैयार किया हुआ है। अब व्हाइट सॉस के ऊपर अपन डाल देते हैं जो अपन ने रेड सॉस जो बनाया है, वेजिटेबल डालकर जो अपन ने यहाँ तैयार किया है उसे इस पे चारों तरफ अच्छे से फैला लेते हैं। बेसिकली जो अपन इस पर शीट बाय शीट जो लगाते हैं और किस तरीके से इसके ऊपर लेयर अपन कर रहे हैं उसी से अपने को अच्छा फ्लेवर पता चलता है इसका। और जो अपन लज़ानिया बनाते हैं उसमें चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने को चीज़ यहाँ बहुत अच्छी डालनी है इस पर। ये देखिए, इस तरीके से अपन ने चीज़ डाल ली है। चीज़ आप थोड़ी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ। अगेन अपन ने जो पतली पतली लेयर काटी थी उसे यहाँ पर अपन रख लेते हैं।
ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अपनी जो अपन ने शीट्स काटी हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, नीचे की सारी चीज़ें अपने को दिख रही हैं इसमें। इसके ऊपर फिर अपन वाइट सॉस लगा लेते हैं। लज़ानिया को किस तरीके से अपन ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं और कैसे ये अच्छी अपने को लग सकती है, उसके लिए अपने को ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो इसे अपन बिल्कुल एंड तक आप देखें इस वीडियो को। यहाँ ये देखिए फिर सब्जियों को डालकर अगेन अपन यहाँ पर चीज़ फैला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से अपन ने चीज़ यहाँ फैला ली है। फिर अपन एक लेयर फिर रख देते हैं इसके ऊपर। आप चाहें तो इन शीट्स को तैयार कर फ्रिज में भी रख सकते हैं अच्छे से रैप करके, और जब भी आप बनाना चाहें तब इन शीट्स को निकालें और यूज़ कर लें। बहुत ही आसान है, इसे बनाने का तरीका मैंने अभी पहले आपको बताया है वीडियो में, उस तरीके से आप इसे बनाएं और किसी भी एक फॉइल में आप इसे रैप कर फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आप यूज़ लेना चाहें तब इसे ले सकते हैं। लज़ानिया में चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और टॉप लेयर जो होती है वो चीज़ के साथ ही रेडी होती है इसकी। इसका फ्लेवर हमें इसके लेयर से ही आने वाला है। ऊपर से ये थोड़ी सी क्रंची होती है और अंदर से बहुत सॉफ्ट अपने को ये मिल जाता है। बच्चे अक्सर जिद करते हैं बाहर जाकर कुछ खाने की, तो आप ये इटालियन डिश उन्हें घर पर बनाकर इजीली खिला सकते हैं। थोड़ा सा इसे बनाने में अपने को आधा एक घंटा अपने को लगता है, लेकिन ये टेस्टी बहुत ज़्यादा बनकर तैयार होती है। और इसमें अपन ने जो चीज़ें डाली हैं वो सब कुछ अपन ने खुद ही घर पर बनाकर तैयार की हैं, तो वैसे भी ये बहुत अच्छी बनने वाली है। ये देखिए जितना वाइट सॉस अपन ने इसके अकॉर्डिंग बनाया था वो सारा सॉस अपन यहाँ पर इस पर फैला लेते हैं। मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी रेसिपीज़ को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें। ये देखिए यहाँ पर इसके टॉप लेयर अपन लगा चुके हैं, जितनी चीज़ थी वो सारी यहाँ डाली अपन ने। यहाँ काली मिर्च डाल दी है, ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। यहाँ डालते हैं इटालियन सीजनिंग। ये पूरी तरह अपना तैयार है बेक करने के लिए। अब अपन ने ये पूरा तैयार करके इसे तकरीबन 25 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं। अभी 25 से 30 मिनट अपन ने इसे बेक कर लिया। आप चाहें तो 20-25 मिनट के बाद इसे एक बार खोलकर देख सकते हैं। अब आप इसे बनाइए, खाइए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए बनने के बाद इसके अंदर की लेयर अपने को इस तरीके की मिलती है।